अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शीर खुरमा बनाने की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह आने वाली ईद के लिए एक मैंडेटरी रेसिपी है, हर घर में बनती है। आप सभी को इंशाल्लाह आने वाली ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। तो चलिए शुरू करते हैं शीर खुरमा बनाना। शीर खुरमा में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे बताती चलूँ। ये है शकर, शकर है 1/2 कप, और शकर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट है इसका शीर खुरमे का सेवैया, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, कलरफुल सेवैया है ये। 1 टेबल स्पून है केवड़ा वाटर, और ये है 1 कप दाल मखाने, और ये है मेलन सीड्स 2 टेबल स्पून। आपके पास है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून गरी मैंने इसको अच्छे से बारीक बारीक काट ली है, और 1 टीस्पून है इलायची पाउडर, और 20 से 25 मैंने ले लिए हैं काजू। नाइफ की मदद से मैंने इनको काट लिए हैं और बड़े बड़े पीसों में काटा है। 20 से 25 बादाम मैंने इनको भी बड़े बड़े पीस में काट लिया है। देखिए, एक पीस के मैंने दो दो पीस बना लिए हैं। 2 टेबल स्पून है किशमिश, और मैंने 5 ले लिए हैं खजूर। आपके पास छुहारा है तो छुहारा ले लीजिएगा, खजूर है तो खजूर ले लीजिएगा, और इनको भी मैं टुकड़े में काट लूंगी बारीक बारीक। और ये है खोया, खोया 200 ग्राम है, और इसको मैंने पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो देखिए कलर भी इसका गोल्डन फ्राई है, और आपका खोया फ्राई ना हो तो आप फ्राई कर लीजिएगा। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे, और इसमें डाल देंगे मखाने। मखाने हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक फ्राई हो नहीं जाते और इनकी खुशबू इंक्रीज नहीं हो जाती। बहुत ज्यादा देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट्स फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि शीर जब बनाएंगे, शीर बनाते हैं तो शीर में ऊपर ही ऊपर घी तैरने लगता है, क्योंकि दूध भी हमारा फुल फैट होता है, क्योंकि उसकी जो जमी हुई ऊपर की बालाई है वो हम नहीं निकालते हैं, उसी में रहने देते हैं, और उसी में ही हम शीर खुरमा बनाते हैं। तो घी ज्यादा न डालिएगा क्योंकि नुकसानदेह भी होता है। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं, देखिए पिंक कलर के हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे फिर से देसी घी, और इसमें ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे, गरी, मेलन सीड्स, और ये मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को, भूल गई थी, ये है 2 टेबल स्पून चिरौंजी, ये भी शामिल करेंगे। आपके पास है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, और इन सारी चीजों को हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करिएगा, तो बहुत अच्छा कलर जब आ जाए, अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए, तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स निकाल लीजिएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश पहले नहीं शामिल किए थे क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाती है, तो अब किशमिश हम शामिल कर देंगे इसमें, और इसी के साथ डाल देंगे ये जो हमने लिया था खजूर, ये भी शामिल करेंगे ताकि एक साथ सारे सब गर्म हो जाएं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ फ्राई हो चुके हैं, और अब हम ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। ड्राई फ्रूट्स मैंने ट्रांसफर कर लिया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे कलरफुल सेवैया। कलरफुल सेवैया बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, अगर नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हम बस ऐसे ही फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। शीर खुरमा आप किसी भी सेवैयों से बना सकते हैं, जो 0 नंबर वाली आती है उनसे भी बना सकते हैं, उससे मोटी वाली आती है। मैं तो कभी कभी सुथेनिया जो आती हैं तो उससे मैं बना लेती हूँ, उसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। सेवैयों को ट्रांसफर कर लिए हैं, अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 लीटर फुल फैट दूध, और इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे एक पैन में, और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध हमारा पकने लगा है, देखिए बॉयल देर से आ गया है, पक रहा है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने नट्स फ्राई किए थे, ये हम शामिल कर देंगे। थोड़े से हमने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और इसी के साथ शामिल करेंगे सेवई। 6 से 7 मिनट के लिए अब हम इनको पकाएंगे चलाते हुए, थोड़ा सा और थिक हो जाए। हाई फ्लेम पे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है, ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है दूध, मेवा और सेवैया मिलके। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे मखाने जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, ये मखाने इसी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ डाल देंगे शुगर, और इसी के साथ डालेंगे खोया जो हमने खोया दिखाया था आपको, 200 ग्राम फ्राई करके रखा हुआ था, ये खोया शामिल करेंगे इसी में, और इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे हम।
शुगर हमने डाली है इसमें और मखाने डाले हैं, खोया डाला है। इन सब चीज़ों के डालने से, खासकर शुगर डालने से ये होता है कि लगने लगता है कि हाँ नहीं ये पतला हो गया है, तो ठीक नहीं है। तो ठीक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम पकाएंगे वो ठीक होता है। तो 5 से 6 मिनट हो गया हमको पकाते हुए। ये देखिए जितनी सेवैयाँ लेते हैं हम डालने के लिए उतनी ही लीजिएगा। लगता है आपको कि सेवैयाँ थोड़ी ले रहे हैं तो और ज़्यादा डाल दें, तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि सेवैयाँ हम फिर से डालें, क्योंकि बाद में बहुत ठीक हो जाती है। ये देखिए बहुत लग रहा ना क्रीमी सी रिच पक गई है, ये देखिए। और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं खड़ी, छील के उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें कोडा वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। शीर खोरमा रेडी हो गई है, ये देखिए कितनी थिक है। अभी ये रखने से और थिक हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, कितनी क्रीमी क्रीमी सी है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है ये देखिए। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो शीर खोरमा हमारी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह बनकर तैयार होगी। जिस तरीके से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी खराबी नहीं आएगी। ये देखिए आप बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है, ये बहुत मज़े की बनती है। शीर खोरमा बहुत ही ज़्यादा रिच और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो हर चम्मच में जो ड्राई फ्रूट्स के चंक्स आते हैं मुँह में आकर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बनाइए इसे घर में, ईद को इंजॉय करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।